आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। यूपी के मंत्रियों को जिलों का प्रभार दिया गया है। लखनऊ से बड़ी खबर सामने आ रही है, योगी सरकार ने जिलों में प्रभारी मंत्री बनाए हैं। जिलों के लिए घोषित प्रभारी मंत्री किए गए, बड़ी खबर आपको लखनऊ से बता रही है। 49 मंत्रियों को जिले का प्रभारी बनाया गया है। पचहत्तर जेसुरेख खन्ना को लखनऊ व गोरखपुर की जिम्मेदारी दी गई है। यूपी के मंत्रियों को जिलों का प्रभार दिया गया है, लखनऊ से आपको खबर बता रहे हैं। के लिए घोषित किए गए हैं प्रभारी मंत्री। बता दें 49 मंत्रियों को जिले का प्रभारी बनाया गया है। इस खबर पर हमारे संवाददाता विवेक हमसे जुड़ेंगे। विवेक, सीएम योगी ने कल एक महत्वपूर्ण बैठक की थी जिसमें उन्होंने यूपी के मंत्रियों को जिलों का प्रभार दिया है, किन मंत्रियों को क्या कुछ जिम्मेदारी दी गई है? देखिए मयूरी, कल मुख्यमंत्री आवास पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक महत्वपूर्ण जो है अपनी मंत्रिमंडल के साथ बैठक की और सभी मंत्रिमंडल में जितने मौजूद कैबिनेट मिनिस्टर थे, जितने मंत्री लोग थे, जितने भी लोग गणमान्य लोग यहाँ पे उपस्थित थे, उन्होंने रात्रि भोज भी एक साथ किया और कई अहम फैसले भी लिए गए। आगामी 10-12 फरवरी का ग्लोबल इन्वेस्टर समिट है और इस तरीके से उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में एक साथ औद्योगिक निवेश को लेकर चर्चा हुई। मंथन हुआ कि इस बार जो समिट होने वाली है उसमें एक साथ सभी 75 जिलों में औद्योगिक निवेश होंगे। उत्तर प्रदेश को लगातार $1 ट्रिलियन इकोनॉमी की अर्थव्यवस्था के रूप में उत्तर प्रदेश की सरकार और मुख्यमंत्री देख रहे हैं। वहीं डबल इंजन की जो सरकार है, केंद्र में भाजपा की सरकार है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी का अर्थव्यवस्था का सपना देखा था, उसमें उत्तर प्रदेश अपना एक अहम योगदान देने जा रहा है। तो 10 से 12 फरवरी का जो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट है उसके लिए परिपाटी तैयार कर दी गई है जिसमें एक महत्वपूर्ण बैठक हुई थी और जो प्रभारी मंत्री बनाए गए हैं, कुल 23 मंत्रियों को एक एक जिले का प्रभार दिया गया है और 26 मंत्रियों को दो दो जिले का प्रभार दिया गया है। तो इस तरह से कुल 49 मंत्रियों को जिलों का प्रभार दिया गया है और ये प्रभार जो है एक वर्ष के लिए तय किया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह भी स्पष्ट किया कि हर सप्ताह में एक समीक्षा बैठक ये मंत्री अगर जरूर करें और खास तौर पर जो कानून व्यवस्था है उसको लेकर सख्ती अपनाए रखें, चाहे महिलाओं की बात हो गई, चाहे किसी प्रकार की जो कानून व्यवस्था है उसको लेकर सक्रियता दिखाए और जनता जो है सुरक्षित महसूस करे, निवेशक सुरक्षित महसूस करे। और इस प्रकार से एक साल के लिए सभी को ये प्रभार दिया गया है। मयूरी, विवेक, सीएम योगी ने 49 मंत्रियों को तो जिले का प्रभार दिया है, वहीं उन्होंने खुद को और दोनों डिप्टी सीएम को 25-25 जिलों का प्रभारी बनाया है। देखिए, कुल 49 मंत्रियों को ये प्रभारी 75 जिले में दी गई है जिसमें से 23 मंत्रियों को एक एक जिले का प्रभार दिया गया है और 26 मंत्रियों को दो दो जिले का प्रभार दिया गया। इसके बावजूद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और दोनों उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक के पास 25-25 जिलों का कार्यभार है। ये मंत्री अपने अपने जिलों के हिसाब से मुख्यमंत्री और उपमंत्री को अपनी रिपोर्ट सौंपेंगे, उसका मुख्यमंत्री इसकी समीक्षा करेंगे। मैं आपको बता दूं कि जितने बड़े मंत्री हैं उनको दो दो जिलों का कार्यभार दिया गया है, जिन्होंने पहले संगठन में सक्रिय भूमिका निभाई है और काफ़ी बेहतर प्रदर्शन इनके नेतृत्व में संगठन में हुआ है, उनको दो दो जिले का कार्यभार दिया गया है। सूर्यप्रताप शाही को लखनऊ, सुब्रता शाही को अवध का, अयोध्या का कार्यभार दिया गया, सुरेश खन्ना को गोरखपुर का कार्यभार दिया गया है, इसी प्रकार प्रयागराज का कार्यभार स्वतंत्र देव सिंह को दिया गया है। तमाम तरह की चीज़ें हैं और इसमें सख्त ये बातें कही गई हैं कि नियमित जो है वो भ्रमण भी करें अपने अपने जो प्रभारी जिले दिए गए मंत्रियों को, वहाँ पे 24 घंटे स्थिति का जायजा लें। इसके बाद बात की जाएगी कि जो विद्यालय, अस्पताल और गौशालाएँ हैं उनकी भी व्यवस्था को इसमें सुदृढ़ करने की बात की जा रही थी, कानून व्यवस्था की समीक्षा करने की बात की जा रही थी। विद्यालय, अस्पताल और गौशाला की स्थितियाँ क्या हैं, सरकार अगर कुछ काम कर रही है गौशाला के लिए तो वो धरातल स्तर पर कितनी सारी चीज़ें पूरी हो पा रही हैं, इन सब चीज़ों की जिम्मेदारी इस पर तय की जाएगी। और उसके बाद जो है 2024 के लिए
ये एक साल का ही प्रभार दिया गया है, क्योंकि आगामी समय में 2024 में लोकसभा चुनाव होने वाले हैं और भारतीय जनता पार्टी सभी की सभी सीटों पर जो है वो परचम लहराना चाहती है, एक तरह से कहे तो क्लीन स्वीप करना चाहती है। इसलिए सभी मंत्रियों को एक साल के लिए 75 जिलों की प्रभारी दी गई है। मयूरी जी, धन्यवाद विवेक तमाम जानकारियों के लिए। सड़क हादसे में सीएम योगी ने ट्वीट किया है बड़ी खबर, आपको बता रहे सीएम योगी ने सड़क हादसे में जनहानि पर गहरा दुख जताया है। सीएम ने दिवंगत आत्मा की शांति की कामना कर परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। सीएम ने अधिकारियों को घायलों को समुचित उपचार कराने के निर्देश दिए हैं। साथ ही डीएम और पुलिस अधिकारियों को लखीमपुर खीरी सड़क हादसे पर सीएम योगी ने ट्वीट किया है। सीएम योगी ने सड़क हादसे में हुई जनहानि पर गहरा दुख जताया। सीएम ने दिवंगत आत्मा की शांति की कामना कर परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। इस खबर पर हमारे संवाददाता लखीमपुर से धीरज हमारे साथ जुड़ेंगे। धीरज, लखीमपुर खीरी में कल बड़ा सड़क हादसा हुआ था जिसमें कई लोगों की मौत हो गई थी और अधिक संख्या में लोग घायल हो गए थे, कैसे ये इतना बड़ा हादसा हो गया? जी मयूरी, देखिए बिल्कुल आपको बता दूं, लखीमपुर खीरी के सदर कोतवाली क्षेत्र के रामापुर चौकी के गांव जो है पनवी खुर्द का मामला है, जहां पर एक सबसे पहले तो स्कूटी और कार की टक्कर ही उसमें गांव के पड़ोसी लोग जो थे वो वहां पर बचाव के लिए पहुंचे और उनको जो उठा करके बिठाने लगे, उनके उपचार के लिए जो 100 जो एम्बुलेंस को फोन किया गया, वो काफी तादाद में लोगों की भीड़ जमा हो गई। वहीं दूसरी तरफ से तेज रफ्तार एक ट्रक अनियंत्रित होकर आई और पूरी भीड़ को रौंदते हुए एकदम चली गई तेज रफ्तार में। तो वहां जब ये विशेष सड़क हादसा जो लोगों ने बताया, जो घटना स्थल है वहां पर जब देखा गया तो करीब 5 लोगों की मौके पर मौत हो चुकी थी, 1 दर्जन से अधिक लोग घायल हुए थे। उनको जो घायलों को ग्रामीणों और स्थानीय पुलिस की मदद से जो है ड्रामा सेंटर ओएल रेफर भेजा गया था, उसके बाद में कुछ घायलों को जो आनंद फानंद ने लखनऊ के लिए भी रेफर किया था। तो वो 5 लोगों की तो मौके पर ही मौत हुई थी, उसके बाद में लखनऊ में इलाज के दौरान एक रोहित है उनकी भी मौत हुई है सुबह सुबह। तो जो अभी तक की ताजा अपडेट है तो सड़क हादसे में करीब 6 लोगों की मौत हो चुकी है। तो धीरे जिन 6 लोगों की मौत हुई है उनमें कौन कौन लोग शामिल हैं? जी बिल्कुल, कुछ तो पनवी खुर्द के ही है, 3 लोग पनवी खुर्द के हैं और एक सदर कोतवाली क्षेत्र का निवासी है और 1 लोगों की अभी शिनाख्त नहीं हो पाई है, जो उसकी शिनाख्त कराई जा रही। तो ये एक लखीमपुर खीरी में बड़ा सड़क हादसा हुआ है। धीरज, जिस ट्रक ने रौंदा था क्या उसके चालक को अभी तक पकड़ा गया है, कुछ एक्शन लिया गया है इस पर? जी बिल्कुल, पूरी तरीके से पुलिस फोर्स जो लगी हुई है, लेकिन अभी तक ट्रक चालक जो है फरार है, ट्रक को पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया है। और इसी मामले पर उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने भी ट्वीट कर घटना पे दुख जताया है और जो घायल है उनको जो अच्छा इलाज किया जाए, बाकायदा जिला प्रशासन को निर्देशित भी किया जा चुका है। तो धीरज, जिन लोगों की मौत हुई है क्या उनके परिजनों का कुछ बयान सामने आया है, उनकी क्या कुछ मांग है, क्या कुछ कहना है, क्योंकि इस मामले पर सीएम योगी ने भी संज्ञान लिया है, ट्वीट कर उन्होंने संवेदना व्यक्त की है। जी बिल्कुल, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट कर संवेदना व्यक्त करते हुए घायलों का उपचार, वही अभी हमारी जो मृतक है उनके परिजनों से वार्ता नहीं हो पाई है। हम प्रयास कर रहे हैं उनके परिजनों से हमारी वार्ता हो, क्या मांगे हैं, उनकी क्या घटनाक्रम है, किस तरीके से, वो पूरी जानकारी लेना चाहेंगे, लेकिन अभी तक जो है मृतक के परिजनों से हमारी वार्ता नहीं हो पा रही है। जी धन्यवाद धीरज तमाम जानकारियों के लिए।
एसिड अटैक की घटना से सनसनी मची हुई बड़ी खबर लखनऊ से सामने आ रही है। घर में घुसकर मां बेटे पर दबंगों ने एसिड डाला है। एसिड अटैक का मामला सामने आया है। किशोर समेत मां को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बड़ी खबर लखनऊ से सामने आ रही है। एसिड अटैक करने वाले दबंग फरार हुए हैं। सीसीटीवी में कैद हुए एसिड ले जाते हुए दो लोगों की तस्वीर सामने आई है। कि विगत रात 10 बजे विकास वर्मा नाम के एक व्यक्ति के घर पे एक व्यक्ति ने दरवाजा खटखटाया। दरवाजा खोले जाने पे उन्होंने विकास वर्मा को पूछा और जब विकास वर्मा दरवाजे पे आया तो उनके ऊपर किसी ज्वलनशील पदार्थ से हमला किया गया, जिसमें विकास वर्मा को चोट आई है। और ऐसा प्रतीत होता है कि ज्वलनशील पदार्थ का कुछ हिस्सा उनकी मदर के चेहरे पे और हाथ पैर पे भी लगा, जिसकी वजह से उनकी मदर को भी चोट आई है। इसी क्रम में थाना गोमती नगर ने तुरंत 326 ए में एक अभियोग पंजीकृत किया है और दोनों पीड़ितों को अस्पताल में एडमिट कराया गया। अभी तक की स्थिति दोनों पेशेंट्स की स्टेबल है। लखनऊ में एसिड अटैक की घटना से सनसनी मची हुई है। बड़ी खबर सामने आई है। घर में घुसकर मां बेटे पर दबंगों ने एसिड डाला है। बड़ी खबर आपको लखनऊ से बता रहे हैं। एसिड अटैक का मामला लखनऊ से सामने आया है। किशोर समेत मां को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। एसिड अटैक करने वाले दबंग फरार हुए हैं। इस खबर पर हमारे संवाददाता सागर हमसे जुड़ेंगे। सागर, लखनऊ से सनसनीखेज मामला सामने आया है। एसिड अटैक किया है दबंगों ने मां बेटे पर। क्या वजह है एसिड अटैक करने का? क्या कुछ पूरा मामला है? देखिए मयूरी, ये गोमती नगर थाना क्षेत्र के विराम खंड का पूरा मामला है। कल देर रात की बात है। यहाँ पर दो अज्ञात लोग विक्की वर्मा के घर पे दस्तक देते हैं, दरवाज़ा खटखटाते हैं। उसके बाद से विक्की वर्मा को पूछते हैं और विक्की वर्मा के ऊपर ज्वलनशील पदार्थ फेंक देते हैं। उसके एवज में उसकी माँ उसका बचाव करती हैं तो उसकी माँ के ऊपर भी कई छिड़काव आ जाते हैं। और सबसे पहली बात यह कि विक्की वर्मा, उसका छोटा भाई, उसकी माँ, केवल यही तीन लोग रहते हैं और तीनों घर पे अकेले थे। और विक्की वर्मा के ऊपर मुख्यतः तौर पे देखा जाए तो विक्की वर्मा के ऊपर ही एसिड अटैक की कोशिश की गई थी। और कुल मिला के उसके बाद उसकी माँ उसको बचाने की कोशिश करती है तो उसकी माँ पर भी हल्के छिड़काव चले जाते हैं। उसके आनन फानन में वहाँ पर वो लोग शोर मचाते हैं और इलाके के लोग इकट्ठा होने से पहले ही जो दो दबंग हैं, जिस तरह से वीडियो फुटेज में साफ साफ आया कि दो दबंग वहाँ से रफू शक्कर हो जाते हैं। तो कुल मिला के उसके बाद पुलिस पहुँचती है। पुलिस की मदद से, स्थानीय लोगों की मदद से वहाँ पर विक्की वर्मा और उसकी माँ को पहले लोहिया अस्पताल पहुँचाया जाता है, फिर लोहिया के बाद उन्हें सिविल पहुँचाया जाता है। और पुलिस के बयान के मुताबिक अभी उनकी हालत स्थिर बनी हुई है और पुलिस ने विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। और जो आरोपी लोग हैं, जो दबंग लोग हैं, जो ये सब घटना कारित करके भागे हैं, पुलिस उनकी तलाश में लगातार जारी, क्योंकि अभी हमारी बात भी हुई थी कई बड़े आला अधिकारियों से। कल रात से लेकर अभी तक की सीसीटीवी फुटेज खंगाली जा रही है और मुझे लगता है कि लखनऊ पुलिस बहुत ही जल्द इन दो दबंगों को पकड़ेगी और ये जानने की कोशिश करेगी कि क्या वजह रही जो इस तरह से एक व्यक्ति पर घर में घुसकर तेजाब डालने की कोशिश की गई। इसके पीछे की वजह जानी चाहेगी, इसके पीछे की दुश्मनी जानी चाहेगी, इसके पीछे की जो भी कारण है वो पुलिस जानने की पूरी कोशिश करेगी। और सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि अब देखने वाली बात है कि पुलिस इन दो दबंगों को कब तक पकड़ती है और कब तक इस घटना का खुलासा करती है। जी सागर, इस पूरे मामले पर क्या परिजनों का कुछ बयान आया है कि क्या कुछ मामला रहा जिससे एसिड अटैक किया गया? क्या कोई जानकारी निकलकर सामने आई है? देखिए मयूरी, आपको बता दूं कि केवल जो ये तीन ही लोग रहते हैं, माँ और दो बेटे रहते हैं केवल, और दो एक जो बड़ा बेटा है वही विक्की वर्मा है, वही झुलसा हुआ है। और जिस तरह से तस्वीरों में हमारे दर्शकों ने देखा होगा कि उसके एक दाहिनी तरफ पट्टी लगी है। और दूसरी बात कि माँ और बेटे को इमरजेंसी वार्ड में रखा गया, तो फिलहाल अभी किसी को भी इजाज़त नहीं है कि उन माँ बेटों से बात कर पाए। केवल वो वर्बली बयान ले सकते हैं, अगर विजुअली बयान लेना चाहें तो शायद वो मुमकिन नहीं है। और ये शायद अभी जब स्थिति उनकी नॉर्मल हो जाएगी तब बयान लेना बहुत ही मुमकिन होगा। देखना ही है कि कब तक इनकी स्थिति नॉर्मल होती है और कब तक इनके बयान आते हैं और इन्हें ये किन लोगों पर शक करते हैं या फिर किन लोगों को नामजद करके बताते हैं। जी सागर, आप इस खबर पर नजर बनाए रखिएगा। आगे आपसे फिर रुक करेंगे।
से सक्रिय हुआ सॉल्वर गैंग, बड़ी खबर लखनऊ से सामने आ रही है। प्रवेश पत्र संदिग्ध होने पर परीक्षक ने पुलिस को सूचना दी। बंथरा चिन्हट और सैरपुर क्षेत्र में सॉल्वर युवतियां पकड़ी गई हैं। सॉल्वर गैंग की धरपकड़ में एसटीएफ जुटी हुई है। एसटीएफ और स्थानीय पुलिस हर एंगल से जांच पड़ताल कर रही है। इस खबर पर हमारे संवाददाता सागर हमसे जुड़ेंगे। सागर, लखनऊ में फिर से सॉल्वर गैंग सक्रिय नजर आ रहा है, युवतियों की गिरफ्तारी की गई है। देखिए मयूरी, इस वक्त बता दो की लखनऊ में बीटेक की परीक्षाएं तमाम जो चल रहे वहाँ पर हो रही है। सुल्तान फाउंडेशन एक संस्था है जो बंसा में, जहाँ पर शनिवार को 12 बजे तीन युवतियाँ आ रही थी। प्रवेश पत्र जिसका संदेह होने पर जो परीक्षक है उसने पुलिस को सूचना की। इस प्रकार सिंहस एयरपोर्ट में बने दो और केंद्रों पर दो महिला सॉल्वर और पकड़ी गई। इसकी जानकारी बंसा के सॉल्वर से मिली थी, जो बंसा में तेल खुद पकड़ी गई थी। अब पुलिस ने सभी को निजी मिशन होटल के पर छोड़ दिया है। सॉल्वर गैंग की हर समय जो एसटीएफ लगातार बंथरा में जिसे गुरुवार को ही सॉल्वर पकड़ा गया था, क्योंकि सुल्तान फाउंडेशन परीक्षा केंद्र पर गुरुवार को सॉल्वर मरीज के पकड़े जाने से पूरा स्टाफ सतर्क हो गया था। प्रबंधन ने शनिवार को केंद्र पर तीन नियुक्त तीनों संगीता रूप के कागजात संगीत होने पर एसटीएफ को सूचना दी। इस पर मौके पर पहुंची बंथरा पुलिस ने कड़ाई से पूछताछ से तीनों ने सॉल्वर होने की बात कही थी और इन्होंने बताया कि एसी कंप्यूटर परीक्षा केंद्र सैदपुर में रोनू कुमारी की जगह पर थी और शिक्षा कम्युनिकेशन में सविता की जगह डेली परीक्षा देने पहुंची थी और इसका पुलिस ने दोनों को भी गिरफ्तार कर लिया। हालांकि बाद में सभी को निचले मुचलते तो छोड़ दिया। सबसे बड़ी बात ये कि शिक्षक ने शनिवार को दूसरे स्थान की परीक्षा देने पहुंची सभी उसकी एक साथ व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ी हुई थी और सुल्तान फाउंडेशन सेंटर पर पकड़े गए यूथों के मोबाइल पर जब व्हाट्सएप देखा गया तो उसमें सीटेट परीक्षा के नाम से ग्रुप बना गया जिसमें परीक्षा संबंधित चार शिवानी नाम की युवती भी जुड़ी थी। वो परीक्षा कहीं परीक्षा में शामिल तो नहीं, लेकिन जानकारी के मुताबिक उसने सभी युवतियों को तलाश कर सॉल्वर बनाया था और 20,000 रुपये की परीक्षा दिए हुए थे लोग और पूछताछ में सामने आया कि ये लोग 20,000 में परीक्षा देने आए थे, सभी इंटर व स्नातक के छात्र हैं। लेकिन उसके बाद भी अपने सॉल्वर गैंग की जाँच में सभी के बिल्लू पर जाँच कर रही है, क्योंकि परीक्षा देने वाली युवतियाँ जो आई थी वो केवल बता दूँ आपको हाईस्कूल और इंटर की, जबकि परीक्षा का स्तर काफ़ी नीचे लेवल था। युवतियों ने बताया कि उनको कहा गया था कि जब तक परीक्षा चले जब तक कोई बैठना है पेपर हल नहीं करना है। ऐसे में पुलिस उनका यहाँ पर अधिकारी के गिरोह ने अभ्यर्थियों से मोटा पैसा तो लिया होगा, लेकिन बहुत कम पैसे ये करने से शिक्षा वाली छात्राओं को सॉल्वर के तौर पर बैठाने के लिए कहा गया है। और सबसे बड़ी बात है कि एसटीएफ लगातार इनके जुगत में लगी, इनकी पीछे लगी है और देखना ये भी होगा कि आगरा में भी हाल ही में कल सॉल्वर पकड़े गए हैं, तो लगातार जो एसटीएफ है पूरी यूपी में सॉल्वरों की तलाश कर रही है और बहुत ही जल्दी एक बड़ा खुलासा कर सकती है। जी धन्यवाद सागर तमाम जानकारियों के लिए। बसंत पंचमी पर लगे मेले में अश्लील डांस, अलीगढ़ से बड़ी खबर सामने आई। डांस देखने जुटी भीड़ में जमकर मारपीट हुई। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। थाना इगलास क्षेत्र के कस्बे का मामला बताया जा रहा है। किसान को तेज रफ्तार वाहन ने रौंदा है, अलीगढ़ से बड़ी खबर सामने आ रही है। किसान की मौके पर ही दर्दनाक मौत हुई है। घटना की सूचना पर पुलिस पहुंची। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। चंदौली से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। तीन उपजिला अधिकारियों का ट्रांसफर किया गया है। चंदौली एसडीएम को एसडीएम नौगढ़ के पद पर तैनात किया गया है।